अब खबरें विस्तार से। अगर नशा करके गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 1 सितंबर से अपनी जेब ज्यादा डीले करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में नए संशोधन के बाद नशा करके गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यही नहीं, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन सुनने पर भी 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। दिनों दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट को 1 सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसके चलते अब वाहन चलाते समय चालकों को सावधानी बरतनी होगी। अगर नशा करके गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 1 सितंबर से अपनी जेब ज्यादा डीली करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में नए संशोधन के बाद नशा करके गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यही नहीं, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन सुनने पर भी 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। दिनों दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट को 1 सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसके चलते अब वाहन चलाते समय चालकों को सावधानी बरतनी होगी। हमीरपुर डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ाया जाएगा और सबसे कम जुर्माना 500 होगा, जबकि सबसे ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए होगा। उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सभी पुराने फाइन में वृद्धि होगी, ताकि यातायात नियमों की कड़ाई से लोग पालन कर सके। आपको बता दें कि अभी तक पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर केवल 2 से 2,500 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ता था और मोबाइल फोन सुनने पर केवल 1,000 देकर ही छुटकारा हो जाता था। लेकिन नए एक्ट के अनुसार ये जुर्माना 5 गुना ज्यादा चुकाना होगा। साथ ही वन वे बिना कागजात बिना हेलमेट के भी भारी जुर्माना देने के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया है, ताकि यातायात नियमों के पालन में कोई कोताही ना बरते। देखिए, नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है और 1 सितंबर 2019 से ये लागू हो जाएगा। तो आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो फाइन है वो इम्प्रूव हुए हैं, इसमें बढ़ाए गए हैं। मिनिमम फाइन जो अब 500 रुपीज़ होगा और ड्रंकन ड्राइविंग का जो फाइन है वो 10,000 रुपीज़ है, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि जो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ये उनकी अपनी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अपने भी खुश रहेंगे और पुलिस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी।